नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। एशियन गेम्स 2023 में भारतीय खिलाड़ी खूब धूम मचा रहे हैं। आज यानी गुरुवार को मणिपुर की रहने वाली रोशिबेना देवी ने एशिया खेलों में रजत पदक जीतकर मणिपुर के लोगों को समर्पित कर दिया। बीते कुछ समय से मणिपुर में जारी हिंसा से वह काफी परेशान थी। वह रजत पदक जीतने के बाद अपने घर और परिवार का जिक्र करते हुए रोने लगी। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ मणिपुर में शांति चाहती हूँ। मणिपुर की रोशिबेना देवी ने हांगजुहू में रजत पदक अपने नाम किया। इस खेल के बाद घर वापसी की बात पर वो रोने लगी। उन्होंने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि पोडियम तक पहुंचने की उनकी यात्रा में बहुत सारे त्याग और कठिनाइयां शामिल थी। वह पिछले कई महीनों से अपने परिवार से दूर रह रही हैं। कभी कभी उसे ये भी चिंता होती है कि मणिपुर राज्य की स्थिति के कारण वह दोबारा अपने परिवार से नहीं मिल पाएंगी। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहती हूँ। मैं मणिपुर में जारी युद्ध में मदद नहीं कर सकती। जो लोग लड़ रहे हैं वो मेरे घर की रक्षा कर रहे हैं। मैं अपना पदक उन रखवालों को समर्पित करती हूँ। रोशिबेना देवी ने रोते हुए कहा कि मैं जानती हूं कि मेरे कहने से मणिपुर में शांति कायम नहीं हो जाएगी। मैं सिर्फ इतना चाहती हूं कि मणिपुर की स्थिति वैसी ही हो जाए जैसे पहले थी। जो आग जल रही है वह बुझ जाए। बता दें कि रोशिबेना ऋषिबेना मणिपुर के विष्णुपुर जिले की रहने वाली है। मणिपुर में जारी हिंसा के कारण एथलीट अपने घर वापस नहीं लौटना चाहती है। उन्होंने कहा कि घर जाने के सवाल पर कहा कि मैं अपने गाँव नहीं लौट सकती, ये छात्रावास है, मैं बस आ जाऊंगी। तो ऐसी और बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनभावना टाइम्स। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।